सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्री बलिदान भोल सांजे शलके दर्घ शिववाज भक्तकायने कलहे कार्य दिव्योवाच तृणदेवृक्षा कल दर्भे साधन मया तदेव स्नेहेन हृदय प्रकाश्यते ृगे नारायणे महालक्ष्मी महासरस्वत्या श्रीदुर्गा सप्तशलाके दुर्गा पाठे विनियोग नाम विजयदाते देवे भगवते बलाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता स्वस्थ हे स्मृता दारिद्र दक्षवयहारणिकाधन्य सर्वोपकारकरणाय सदाधरित्वा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये दम्भके गौरे नारायणे नमस्ते शरणागतधे नाथ भरिप्राणपरायणे सर्वसारथि हरे देवे नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयशस्राहिण देवे दुर्गे देवे नमस्ते रोगान शेषान पृष्टादुकामान सकलानवेष्टान् त्वमाश्रितानां विपन्नानां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याग्रेश्वरे एवमेव त्वयाकाय वश्वधरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्रशतनाम स्तोत्र ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणु स्वर्णमहानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रेतामहे सति ॐ सदेशाद्धि प्रेता भवानी भवमार्जनी आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा जलधारिणी पिनाकधारणे जप्ता चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तलोका जिदाजिः सर्वमन्त्रमये सत्ता सत्यानन्दी आनन्दा भावने भव्य भव्य भव्या ददा गतिः शम्भवे देव माता चण्डा रत्ना प्रिया ददा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशने
अवर्णमेघवर्णाय पाटला पाटलाभदे पट्टाम्बरपरिधानां कलमञ्जरञ्जने अमे विक्रमाक्रोरा सुन्दरे सरसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमनिभोजिता ब्राह्मे माहेश्वरे चन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुण्डा जैव माराहे लक्ष्मे जावैयाग्रहे विमलोदर्शने ज्ञाना क्रिया नित्या च बद्धिता बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशम्बशम्बहने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्ते च चण्डमण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानोघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशस्त्रहस्ताय अनेकास्त्रस्य धारणे कुमारे च कन्या च केशवे यमदेयदेः अप्रौढाजैव प्रौढाज वृद्धमाता बलप्रदा महोदये मुक्तकेशे गौररूपा महाबला अग्निज्वालारोद्रमगे कालरात्रे सहस्वने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया यलाधरे शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने लसाभृत्ये वक्षा ब्रह्मवाधने जायम् ब्रह्मणे नित्यम् दुर्गा नाम जगाधगाम् नासाध्यवृद्धते देवे त्रिसुलोके जुभार्वदे धनञ्जायम् सुधञ्जाय वयमस्ति न मे भज चतुर्भ्यम् तथा चङ्के लदे मग्ने जयाझले कुमारे पोषयत्यादो ध्यात्या देवीम् सुरेशरे पूजे पर्यावट्या पठे नाम जलाजगाम् तच्च सिद्धिर्वहे देवि सर्वे सुल्फले लभे राजानादासतां जान्ते राज्या जयमवाप्नुयात् घोषणालक्तकङ्गमे सुन्दरगर्भमधुत्तरेण विलयन्द्रं विधिना विदज्ञ भवे सदा धारये भरारेः भौमवाचानिशामग्रे चन्द्रे सद्विषां गते विलज्ञा प्रवठे दात्रं सावभे साम्बलाम्बलाम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका क्षफल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। जय स्तोत्र
वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होती है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन्य मजगदम्बे की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्य कवच ओम चंडे कवच से ब्रह्मांग्रह चामुंडातर दिगभंग देवता श्री जगदंभ सप्तदेवाढ़ जभेग ओम नम शंडिकाय मारकंडे दुहाज ओम जद्भ्रमलोक सर्वजागरघना जन्न सजाजेमह ब्रह्मज अस्तम विप्रभुकार दिव्याशोकुण महामने प्रथम शलपुत्रेय ब्रह्मचारिणे तृतीय चंद्रगंडेक पंचम स्कंधमादे ष्ठम कायनी सप्तम कालराजे महाघाएम नवम सिद्धिदाज नव दुर्गा उक्ता ब्रह्मदेव महात्मना अग्निनादयन मध्ये गदारणे विषमे दुर्गमे देव व्यारण गता नाते किंच अशुभ संकटे नापदं दस पश्यामि शोक दुख भयं नहि जेष भक्ता स्मृतानों तेजा वृद्धि प्रजाते जेष्वांसभ्रंथेजेक्षेदानंदय प्रेत संसाधुरा मुंडा बाला हेमहिजासना इंद्री गज समारूढ़ वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृकारूढ़ कौमारे जगवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपेवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ सर्वाभरणभूषिता इत्येतमात्रा सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाढ्यनानारत्नाभयविदा दर्शञ्जयरथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलः षट्भञ्जक्रं कृताञ्जले अलं धर्मतुलायिता केटकं तोमरं देव बलं भाजमेव च कुण्डायनं कृशोलं धारणमायमत्तमम् देत्यानां देहाशय भक्तानां विहाय च धारयन्ताय धानेतं देवानां जयाय वै नमस्तेऽस्तु महारुद्र महाघोर पराक्रमे महाबले महासाहे महाबले विनाशने त्राहि मां देवि दत्तस्य यत्र नामयवर्धने प्राचमराज्यसभामेन्द्र अग्निरामग्निदेवता दक्षिणेव द्वाराये नैत्यां खड्गधारणे प्रतिजाम्भारणे रक्ष वायभ्यां विवाहने उदिजाम्भातुकौमारी ईशान्यं जलधारणे ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डे रक्ष तदस्तद्वैष्णवे तथा एवं लज्जितजो रक्ष यामन्दाजपवाहना
भूतले जन्यवचंबरा जावद्भूमण्डलं दत्ते यजलवनगाननम् तावदेषु मे जन्या सन्दतिः पुत्रपादृगे देहान्तर्लभम् ब्राह्मणादेभ्यो नित्या महामायाप्रसादतः लभदेवं शिवेन सह वदने ओहो अथर्गलस्तोत्र श्री अर्गलास्तमन्दस्य विष्णोर्षिः अनष्टभुषन्दः श्रीमहालक्ष्मे देवता श्रीजगदम्बाभेदये सप्तशदेवाढागत्येन जभे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मारकण्डेवाच ॐ जयन्ते मङ्गलाकाले वस्त्रकाले कपालने दुर्गाचमाच वाजाते स्वाहा नमासुदे जय त्वं देवि जामन्दे जय भोगादिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमासुदे मधुकेतवभेद्रादे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि यं देहि यजो देहि दुतो देहि महिषासुरशरणादे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि रक्तबीजापदे देवि चण्डमन्दविनाशने रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि शुम्भस्य धुम्नायश्रमर्दने रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि मण्डिताङ्गुले देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि अजिन्दरूपचरते सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्ता चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि सुभद्रो भक्तिपूर्वता चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि चण्डिके सुभद्रता पतयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि विदेहि सुजानाजं विदेहि बलमज्जगैः रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाध्रियं रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि सुरासुरचुरो रत्नानि कृष्णचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं यलङ्करं रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि प्रचण्डचैतनभग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि चतुर्भुजे चतुर्वज्र संसदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि कृष्णेन संसदे देवि सहस्रवर्त्या ददाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि हिमाग्रसुतानाथ संसदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि इन्द्राणि पतिसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि देवि पचन्त दुर्दण्ड दत्त सर्वविनाशने रूपं देहि जयं देहि यजो देहि दुतो देहि देवि भक्तजनादामा दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुतो देहि पदने मनोरमां देहि मनोभक्तानुसारणे तारणे दुर्गुणसारसागरस्यागरभवां यं सोतं पठे दातो महासोतं पठे नरः सोतो सप्तसदे संज्ञा भरमामनादे सम्पदा ॐ
अथ कीलक कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुसुरसंग्रह श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बाभिर्दर्शनम् सरस्वती पाठागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धजानदेहाय त्रिवेदेदिविश्वाच्युते श्रियः प्राप्तनिमित्ताय नमः सोमार्थदायिने सर्वमेतद्वियानीय मन्त्राणाम विकीलकम् सोऽपि चे मम भाग्नोति सततं व्याप्यतत्परः चिद्यन्तजाटनाथेने वस्तुने सकलान्यपि एतेन सुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नोषितं तत्र नागेञ्जेन विविद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमोच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कानिमाहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव विदञ्जुवान् स्तोत्रवेदण्डिकाय दशगुप्तान्तकारसः समादेन च पुण्यस्य तं दधावन्यमन्त्रणाम् सोऽपि च मम वाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समायुधः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशापसेदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्किलां विधायेन नित्यं जपते सत्पुरम् सचित्तासागनासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न देवापरदस्तस्य वयं क्वापि जायते नापमृत्यो दशं जाते मृतो मोक्षामवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य गुरुवेद न कुर्वाण विनश्यति ततो व्यासेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवदेः सौभाग्यादि अधिकञ्च दृश्यते लवनायने तत्सर्वप्रसादेन तेन याप्याविधाम् क्षणेषु याप्यमाने स्वस्य सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ईश्वरं तत्प्रसादेन सौभाग्यराज्ञसम्पदः शत्रुहानेव मोक्षः श्रूयते सानगेन्द्रे श्री महिषासुरमर्दने स्तोत्रे ऐहरिनन्दनि नन्दितमेतनि विश्वविनोदनि नन्दनते निर्वरविन्द्रदेवाधिनिवासिन विष्णुविलासिन कृष्णनुते भगवति कण्ठकुटुम्बनिभूरि कुटुम्बनिभूरिते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपरदविशालसुते कण्डपिपातितमुण्डपटाधिपति जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यक भरदण्डजनसुते ऐरन दुर्पद शत्रुपदोदित दुर्धर निर्धर शक्तिभिः चतुरविचार दुरेण महाशिवदूत कृत प्रमदाधिपते दुरित दुरेह दुराशय दुर्मति दानव दोषकृताधिपते ऐ शरणागत भेरिपराभयदायि करे शिवमर्तक चोर विरोधि चिरोधि कृतामल चोर करे तुम तुम कामर तुम सुनाथ मो मुखरे मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यक भरदनि जगत ते
Thank you.
अब अंतिम काली अंतिम प्रश्न निकालिए पेज नंबर लास्ट पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना ही क्षमा प्रार्थना अपराध सहसानि क्रियन्ते हरनिजामया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजादेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेजरे जडपूजिता मया देवे परिपूर्णं ददातु मे अपराधयं कृत्वा जगदम्बेतुकाचरे जाङ्गदे समभापनाते नातां ब्रह्मादयः सापराधस्मे शरणं प्रातस्तां जगदम्बिके इधाने अनुकम्प्यः जधये जने तथा अज्ञानाद्विस्मृतभाञ्च यण्डोऽहमधिकाङ्कृताम् तत्सर्वाङ्गम्यतां देवे प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दवे गृहे गृहाणाचाभिमां मे च प्रसीद परमेश्वरि गुह्यात् गुह्यगातेतां गृहाणास्मत्कृतां जपां सिद्धिर्भवतु मे देवे त्वत्प्रदात् सुरेश्वरि जतवले माता तेरे सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरे सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरे सदा ही जय सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मध्या में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का
इसमें विभूति आदि शक्ति महाकाली माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। ऐसी मान्यता की इस समय जब माँ की आरती होती है पूजा के समय समस्त देवी देवता जो हैं अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते ही माँ भगवती की स्तुति करते हैं और इस परम पवित्र वेला में जो भक्त जन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं उन शरणद भक्तों को इन समस्त देवी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते ही जिस आशीर्वाद से वह साधक जन वह भक्त जन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। और इस माँ भगवती जगजन ने अति शक्ति महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती इन तीनों देवियों की विशेष कृपा उन पर होती है और माँ की कृपा से उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आती और जिस कार्य के लिए अग्रसर होते हैं उन कार्यों में जो है उन्हें सफलता प्राप्त होती है और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा ही और आज जो है यह होली का महापर्व ही बड़ा ही उत्तम दिन ही और ऐसे विशेष स्वयं पर जो है विशेष पर्व पर जो है आप भक्तों को इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए है। होली के पर्व पर जो है आप सभी भक्तों को और सभी देशवासियों को माँ वैष्णो देवी दरबार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बोध बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वर्धापन आशीर्वाद। माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें आपका कल्याण करें आपको जो है आपके परिवार में आपको खुशियां दें और सर्वत्र आपकी अंग संग जो है रक्षा करें। होली एक सामाजिक एवं धार्मिक जय त्योहार है और ये रंगों का त्योहार है। बाल वृद्ध नर नारी सभी जो है बड़े उत्साह से जो है इस पर्व को जो है मनाते हैं और ये एक देशव्यापी त्योहार भी है। इसमें जो है वर्ण अथवा जाति भेद को जो है कोई स्थान नहीं है और इसमें जो है होली का पूजन किया जाता है। सायंकाल को जो है जो पहले गुण जो क्योंकि ये पूर्णिमा जो है निश्चित व्यापनी पूर्णिमा में होली का दहन किया जाता है फिर दूसरे दिन जैसे आज जो है होली का पर्व जो है जो रंगों का त्योहार जो है जब मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने जो है आज के दिन ही जो पूर्णिमा का दिन है जो है अपने क्रोधाग्नि से जो है कामदेव को जो भस्म कर दिया था तभी से जो है जो त्योहार जो है जी इसका प्रचलन जो है ये हुआ था। दूसरा जो है जो त्योहार जो है हिरण्यकश्यपु की बहन जिसका नाम होली का था यही उसकी बहन की स्मृति में भी जय मनाया जाता है। हिरण्यकश्यपु की बहन होली का जो है इन्हें वरदान था इन्हें तप कर करके इस प्रकार से वरदान प्रताप प्राप्त किया था कि आग जो है इसे जला नहीं सकती थी और प्रतिदिन जो है जे आग में जैसे आप जल में स्नान करते हैं जैसे ही यह होली का जो थी हिरण्यकश्यपु की बहन जे आग में प्रतिदिन स्नान किया करती थी और आग इसको जला नहीं सकती थी। जे होली की जो है इस प्रकार से जे हिरण्यकश्यपु की बहन जो है इनकी स्मृति में भी जे होली पर्व जो मनाया जाते हैं और इस प्रकार से नित्य प्रति जे अग्नि स्नान किया करती थी और इसे अग्नि जो है जे जलाती नहीं थी। हिरण्यकश्यपु जो है कहते कि इनकी चार पुत्र थे। उन चार पुत्रों में जो है सबसे छोटा पुत्र जो था वह जिसका नाम प्रहलाद था ये सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सबसे बड़े थे जे भगवत भक्त थे। इस प्रकार से कहते कि हिरण्यकश्यपु जो है इन्होंने देवताओं को पराजित करने के लिए ये संकल्प लिया कि मैं तप करूंगा और तप करने के लिए ये वन में चले गए और कई बार जो देवताओं के साथ इनका युद्ध हुआ और देवताओं के साथ इनकी शत्रुता थी और देवताओं को पराजित करने के लिए ये तप करने के लिए चले गए और इस प्रकार से तपस्या में तल्लीन हुए कि
इनको कोई सुदबुद्धि नहीं थी, इस प्रकार से तपस्या में तल्लीन थे। उस समय इनकी पत्नी क्यादु जो थी वह गर्भवती थी, और ये पता जब देवता के राजा इंद्र को चला कि हिरण्यकश्यप जो तप कर रहे हैं देवता को पराजित करने के लिए और जो इस प्रकार से तपस्या में तल्लीन है, उस समय राजा इंद्र ने जो है देवतों पर आक्रमण कर दिया और जो है देवतों को मार भगाया और क्यादु को जो है उसे पकड़ लिया और पकड़ करके अपने साथ ले चले। रास्ते में इन्हीं देवर्षि नारद जी मिले और नारद जी ने उसे रोका और कहा, क्या करते हो, यह स्त्री है, जब ठीक नहीं कर रहे हैं। तब जो है उसने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं है, मैं इसे इसलिए ले जा रहा हूं, ये गर्भवती है और इसके घर में जो बालक पल रहे हैं, क्योंकि सांप का बेटा सांप ही होगा, इसलिए ये फिर प्रजा को दुख देगा, इसलिए जब इसका जन्म होगा इसको मार करके इसी में छोड़ दूंगा, इस बच्चे को मार करके इसी में छोड़ दूंगा। तब जो है देवर्षि नारद ने ध्यान लगाया और कहा कि ये बालक जो है ये भगवत भक्त है, इससे आपको कोई भय नहीं है। तब जो है देवर्षि नारद जी के कहने पर जो है इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। अब जो है देवर्षि नारद जो है उसे अपने आश्रम ले आए और क्यादु ने भी यही विचार किया कि अब ऋषि के आश्रम में ही मैं सुरक्षित हूं। तब जो उनके साथ आश्रम में चले गए, अब देवर्षि नारद जी प्रतिदिन जो है क्यादु का मन बहलाने के लिए भगवान की कथा सुनाया करते थे। आश्रम में सत्संग होता था, कीर्तन होता था, तो कहते हैं कि प्रहलाद ने मां के घर में ही सारा ज्ञान जो था ये प्राप्त किया था। भगवान की भक्ति जो है ये मां के घर में रहते हुए उसने प्राप्त कर ली थी, इसलिए सिद्ध होता है कि जब माता जो है गर्भवती होती ही उस समय जो उन्हें खूब भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति जो है, और इस प्रकार की संतान जो है वह भगवान की अनन्य भक्त होती है, माता पिता की आज्ञाकारी संतान होती है, इस प्रकार से वह समाज को एक कल्याण करने वाली होती है और परिवार को एक कल्याण करने वाली होती है। ये प्रभाव होता है सत्संग का, भक्ति का, भगवान की आराधना का। अब जो है प्रतिदिन जो है देवर्षि नारद जी क्यादु को जो कथा सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन होता है आश्रम में, वेद पाठ होता है, स्तोत्र पाठ किए जाते हैं, वहां पर भगवान की आराधना होती है, क्योंकि सभी वहां पर ऋषि मुनि रहते हैं। अब जो है हिरण्यकश्यप जब तपस्या करके वापस लौटा, तब जो है क्यादु जो वापस अपने घर पहुंची और घर जाकर के बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ प्रहलाद, जी प्रहलाद थे। जो प्रहलाद जो है जी जन्म से ही भगवान के जो भक्त थे, और इस प्रकार से भगवान की भक्ति जी चलते फिरते उड़ते बैठते जो है भगवान के नाम का कीर्तन किया करते थे। और जब जो थोड़े बड़े हुए और बच्चों के साथ खेलने लगे, तो बच्चों के साथ भी यही खेल होता था, भगवान के नाम का कीर्तन, और कीर्तन करते करते नाचना, उत्सव मनाना, और इस प्रकार से हमेशा जो प्रसन्नचित रहते थे, हर्षित रहते थे, और इस प्रकार से सभी जो है बालकों के साथ भी इसी प्रकार से उनको भी यही उपदेश देते थे। और ये सब बातें जो उनके पिता हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी। अब जो है उसने जो है पाठशाला में से भेजा और गुरु से भी कहा कि इसको ऐसा ज्ञान दीजिए जी कभी भगवान का नाम ना ले, परंतु भगवान का नाम कहाँ छोड़ने वाला था, कि जिसे बाल्यकाल से ही माँ के घर में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार से ये सब करने पर भी हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हुआ, अनेक प्रजनन किए उसको मारने के लिए, स्वयं पिता जब पुत्र को मारने के लिए इतना प्रजनन कर रहा है, कहते हैं कि विषैले सांपों के बीच में उसको डाला गया, परंतु सांपों ने भी उसको काटा नहीं, और जो है फिर उसके शरीर के साथ जो है पत्थर बांध करके जल में डुबोया गया, परंतु वह पत्थरों के साथ ही जल में तैरने लगे। हाथों से कुछ लाया गया, बड़े बड़े हाथी, मस्त हाथी वहां पर लाए गए और उनके पांव तले उनको फेंका गया, तो भी हाथियों ने अपने सूंड से उठा करके अपने पीठ पर बिठा लिया। जहां तक कहते हैं इसको यही कमरे में बंद कर करके इसका अंजल बंद कर दिया, जो पहरा लगा दिया बाहर जो है कि
कोई भी इसको जो है भोजन नहीं देगा, जल नहीं देगा, और जहां पर जो है जिस कमरे में बंद रहेगा तो बाहर पहरा लगा दिया। कहते हैं कि उस समय वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जो है जब भोजन करने लगे, लक्ष्मी जो है भोजन लेकर के भगवान के पास आए, तो भगवान जो है उनकी आंखों में आंसू थे। लक्ष्मी पूछा क्या कारण है, उन्होंने कहा मेरा भक्त भूखा है। तो वैकुंठ लोक से उनके लिए भोजन जो है उस कारागार में जहां प्रहलाद को बंद किया था वहां पर आ पहुंचा। अंदर प्रहलाद जब भोजन कर रहे हैं और जब सुगंध आई, वैकुंठ लोक से भोजन आया और प्रहलाद भोजन कर रहे हैं, तो बाहर जो है प्रहरी जो खड़े थे उनको सुगंध आई, भोजन कीजिए, तो भोजन कर रहे हैं। तब संदेश दिए, महाराज ये तो भोजन कर रहे, कहां से भोजन आया? तो हिरण्यकश्यप दौड़ते हुए वहां पर आते हैं, देखते हैं वह तो भोजन कर रहे हैं। तब जो है उन्होंने पूछा भोजन कहां से आया, उसने कहा देखो जिसने माँ के घर में 9 महीने मेरा पालन पोषण किया है वह इस संसार में सिस्टम वही पालन पोषण करने वाला है, सब कुछ वही करने वाला है, एक माता है, इसलिए आप उस परमिता परमात्मा की शरणागत हो जाओ, ये सारी सृष्टि उसी की है और वह कण कण में विराजमान है और सबका पालन करने वाले वही हैं। हम संसार में आकर कहते हैं कि हम ही जो परिवार का पालन कर रहे हैं। देखिए जिसने जन्म दिया है, माँ के घर में बालक आते हैं तो माँ के स्तन में दूध पहले ही आ जाता है, जो जो दाल रोटी खाती है, साग खाती है और दूध जो सफेद जो है उत्पन्न होता है बालक के पालन पोषण के लिए, और जब तक बालक के मुख में दांत नहीं आते तब तक दूध जो है माँ का वह चलता है, और जिस समय वह बालक खाने के लायक हो जाता है तो दूध अपने आप बंद हो जाता है। ये सब उसी की सृष्टि है, कैसे जो सारे सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया है, तो अनेक प्रजनन किए उसको मारने के लिए, अंत में इस प्रकार से इतने जो है वह दुखी हो गए बालक से जो भगवान का नाम छोड़ता नहीं। तो कहते कि लोहे के खंभे के साथ उसे बांधा गया और जो है बांध करके फिर जो है कहते हैं कि उसके बाद जो है इनकी बहन जो है होलिका जो थी, होलिका वहां पर आई, उसने भाई से कहा कि आप चिंता मत करो, आग मुझे जला नहीं सकती और मैं प्रहलाद को अपने भतीजों को अपनी गोदी में लेकर के अब जो है मैं आग में बैठूंगी और ये तो जल जाएगा, आग मुझे जलाएगी नहीं। उसने कहा ये बात ठीक है। अब होलिका जो थी ये आज का दिन था, ये पूर्णिम का दिन जो था, इस प्रकार से ये होलिका जो थी उसकी भूगा प्रहलाद की अपनी गोदी में लेकर के जो है अब बहुत सारी लकड़ी वहां पर इकट्ठी की हुई थी और कंडे गोबर जो लगा करके, गोबर के कंडे जो होते हैं उन्हें लगा करके आग जलाई गई और होलिका उसमें बैठ गई प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के। अब जो है होगा विपरीत, जबकि इसे वरदान था होली को कि आग इसे जला नहीं सकती, परंतु कहते हैं जिस समय प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के जो अधर्म कर रहे थे, तो कहते हैं कि उस समय होली का तो जल गई परंतु प्रहलाद नहीं जल सके। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो उसी की स्मृति में जो होली का पर्व जो है ये मनाया जाता है। दूसरा जो धार्मिक पर्व जो है यही आज के दिन जो है जी होता क्या है, जब जी अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से जो पर्व जो प्रारंभ होता है और पूर्णिमा का दिन जो होली का दहन जो किया जाता है। अष्टमी के दिन जो है जी कहा है कि वृक्ष की टहनी जो है किसी खुले खलियान में जो है वहां पर जो है उसे लगाया जाता है, फिर उसके साथ जो है उस वृक्ष में जो है हरे पीले लाल रंग के कपड़े जो बांध करके वहां पर प्रतिदिन पूजन किया जाता है, और लास्ट दिन जो है यही होली का पर्व जो मनाया जाता है, होली का दहन किया जाता है। फिर जो दूसरे जो है सोमलता सोम यज्ञ होता है, आज ये धीरे धीरे ये सब जो लुप्त हो चुके हैं, शास्त्र में जो बतलाया गया सोम यज्ञ होता है, सोम नाम की एक लता होती है सोमलता, उसके द्वारा जो है यज्ञ किए जाते हैं और सोमलता का जो है रस जो है निकाल करके इसका पान किया जाता था, जिससे अनेक रोगों से ये लोग जो थे वह मुक्त होते थे, हृदय रोग से विशेष करके उन्हें मुक्ति मिलती थी और वह निरोगी जीवन जीते थे, ये यज्ञ किए जाते थे। फिर ये न्याय अन्न जो है जो अभी आने वाला है, गेहूं का अन्न जो है जो होते हैं, अब जो होली का कहते हैं कि होला इसको कहते हैं कि उसमें अग्नि जला करके
अन्न का जो है उसमें होम किया जाता था, वही होला जो है लोग उसका सेवन किया करते थे। जीवी शास्त्र में इसका भी वर्णन जो है ये मिलता है। इस प्रकार से अंत में जो है कहते हैं नकुशूर ने प्रहलाद जी को खंभे के साथ बांधा था, खंभे के साथ बांधा और हाथ में खड़ग ले लिया और फिर कहने लगा अब बतला तेरा भगवान कहाँ है। उसने कहा मुझे इस खड़ग में भी दिखाई दे रहा है, आम में भी दिखाई दे रहा है, सर्वत्र दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा इस खंभे में, उन्होंने कहा इस खंभे में भी भगवान विराजमान है। कहते जब इतना कहते उसने खड़ग जो अपने हाथ में लेकर के उसमें प्रहार करने के लिए जैसे उठाया तो भगवान खंभे को फाड़ करके वह आधा शरीर मनुष्य का और आधा जो शेर का नृसिंह अवतार हुआ था। और जो है जिसने हिरण्यकश्यप को जो है उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी, बोले सच्चे दरबार की जय। कहते हिरण्यकश्यप ने जो है तप कर करके वरदान प्राप्त किया था, मेरी मृत्यु जो है ना तो दिन में हो ना रात में हो, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके ना जानवर मार सके, ना मुझे जो है मेरी मृत्यु अंदर हो घर के ना बाहर हो। जो 12 महीने जो बतलाए गए हैं इन 12 महीने में भी मेरी मृत्यु ना हो। तो कहते इस प्रकार से जब जो ही उन्हें ऐसे वरदान प्राप्त किया था ना दिन में हो ना रात्रि में हो, तब जो है कहते कि उस समय जब नरसिंह अवतार में भगवान प्रकट हुए रोज से जो है पकड़ लिया, पकड़ करके जो है वह द्वार पर आ गई, एक पैर द्वार के बाहर एक अंदर। तब उसने कहा कि आपने वरदान मांगा था ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा, अब बतलाइए तो अंदर है जब बाहर है, तो ना अंदर है ना बाहर है। उसने कहा मैं तो ना अंदर हूं ना बाहर हूं। तब उन्हें पूछा कि दिन है कि रात, संध्या का समय था, संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था, तो समय ना रात्रि है ना दिन है। तब उन्हें कहा जो 12 महीने के लिए आपने कहा था तो आप बताइए उन 12 महीनों में कौन सा महीना है। तो ये 13वां महीना भगवान ने जब मलमास होते हैं, जो गलत महीना एक आता है बीच में, हर प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत जो है मलमास का महीना चल रहा था, उसमें जो है भगवान ने जो है हिरण्यकश्यप का वध किया था। तब उन्हें कहा कि बताइए उन 12 महीने से कौन सा कहना, ये तो मलमास है। और जो है जिस सारी शर्तें उसकी पूरी करते हुए तब जो भगवान ने जो है उसकी जीवन लीला समाप्त की, उसके बाद प्रहलाद को अपनी गोद में लिया, बड़ा प्यार दिया, सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, तब उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब जो है कहते हैं कि प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिताजी आपसे शत्रुता करते थे, मुझे सबसे पहले यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो। जो पिता पुत्र के लिए ऐसा सोचता था, अब पुत्र जो है उसके लिए भगवान से वरदान मांग रहा है कि मेरे पिता आपसे द्वेष करते थे, शत्रुता करते थे, मेरे पिता जो है आपके हाथों के द्वारा उनकी जो है जी मृत्यु हुई, अब मृत्यु काल मृत्यु हुई है, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिता जो है इनकी दुर्गति ना हो, इनकी सदगति हो। तब जब भगवान ने कहा कि बेटा जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उस कुल की 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी जे वाली और 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, 21 पीढ़ी तो आपकी तर गई, तो तेरा पिता भी तर गए जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है। ऐसे प्रहलाद हुए थे हिरण्यकश्यप के जे दैत्य वंश में, आगे चल करके इन्हीं के पुत्र जे विरोचन हुए हैं, जे भी बड़े धार्मिक हुए हैं, फिर उनके विरोचन के पुत्र जो है राजा बलि हुए हैं। इस प्रकार से दैत्य कुल में जी जे धार्मिक परंपरा इस प्रकार से चली कि इनके आगे जो भी संतान चले थे जे भगवत भक्त हुई, बोले सच्चे दरबार की जय। और भक्ति करने से ही वास्तव में मनुष्य का सर्वोच्च कल्याण है, चाहे कोई भी है जो भक्ति करते है उसका संसार में यश, उनका मान, उनकी कीर्ति अटल बनी रहती है, उनके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। भजन की वेला में निवेदन कर रहा हूँ, श्री मणिंद्र से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली भी जाते हैं श्री मणिंद्र जी। जयकारा शिरवर जिदा बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे बच्चे रंग लान नुवाए होए ने होली दर ते मनान नुवाए होए ने, तेरे बच्चे रंग लान नुवाए
काली सभी हाथ खुलकर गई ढिले ताली नहीं ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर दे। ताली सभी हरा पीला रंग कोई ले आए लाल माँ, हरा पीला रंग कोई ले आए कोई ना, हरा पीला रंग कोई ले आए लाल माँ, हरा पीला रंग लाल ले आए माँ, फुलाना बच्चे आने अज तेनु श्रद्धा नाल माँ, लाना बच्चे आने अज श्रद्धा नाल ਤੈਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਧ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਦਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੰਗ ਲਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਦਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਦਰ ਤੇ ਮਨਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮਾਂ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮਾਂ, ਰੰਗ ਲਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਦਾਰੇ ਤੇ ਮਨਾਣ ਨੂੰ ਆਏ
ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦਰ ਤੇ ਮਨਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦਰ ਤੇ ਮਨਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੰਗ ਲਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦਰ ਤੇ ਮਨਾਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੰਗ ਲਾਣ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਆਤੇ ਹੈ ਮੁਰਾਦੇ ਪਾਤੇ ਹੈ ਹਾਂ ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਆਤੇ ਹੈ ਮੁਰਾਦੇ ਪਾਤੇ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਆਤੇ ਹੈ ਸਭ ਆਦੇ ਹੈ ਬੁਰਾ ਦੇ ਪਾਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸਭ ਆਤੇ ਹੈ ਬੁਰਾ ਦੇ ਬਾਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਤਾਰੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਤਾਰੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਗਰੀਬ ਜਲਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਗਰੀਬ ਜਲਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਦੀਪ ਜਲਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੀਪ ਜਲਾ ਹਰ ਦਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਹਰ ਦਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਇਹੀ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਇਹੀ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਸੁਣਾ
सब आते हैं वो राधे राधे हैं, सुना है सब आते हैं वो राधे पाते हैं। नजर न आता है मैया, कुछ नजर न आता है मैया, अंधियारा छाया है मैया, अंधियारा छाया है मैया, कुछ नजर न आता है मैया, कुछ नजर न आता है मैया। बलहीन बड़ा कमजोर हूँ मैं, 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 बस तेरा सहारा है मैया, बस तेरा सहारा है मैया, बस तेरा सहारा है मैया, बस तेरा सहारा है मैया। बस यही कृपा मांगूं तुझसे, बस यही कृपा मांगूं तुझसे, तेरा दर न कभी झूठे मुझसे, तेरा दर न कभी झूठे मुझसे, बस यही कृपा मांगूं तुझसे, बस यही कृपा मांगूं तुझसे, तेरा दर न कभी झूठे मुझसे, तेरा दर न कभी झूठे मुझसे। और बोलूं मैं क्या मांगूं, और बोलूं क्या मैं क्या मांगूं, और बोलूं क्या मैं क्या मांगूं, और बोलूं क्या मैं क्या मांगूं, ना आस तेरी झूठे मुझसे, ना आस तेरी झूठे मुझसे, ना आस तेरी झूठे मुझसे, ना आस तेरी झूठे मुझसे। आते हैं वो राधे पाते हैं, सुना है सब आते हैं वो राधे पाते हैं। मैं आया तेरे द्वार, मैं आया तेरे द्वार, सुना है सब आते हैं वो राधे पाते हैं, सुना है सब आते हैं सब आते हैं पूरा दे पाते हैं, सुना है सब आते हैं पूरा दे पाते हैं, सुना है सब आते हैं पूरा दे पाते हैं, सुना है सब आते हैं पूरा दे पाते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी लघु भजन।
जयकारा श्री रामलीला बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा श्री रामलीला बोल सच्चे दरबार की जय। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, पूजे भवन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार, दुनिया तेरा नाम जपे हो दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो हो, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, पूजे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया, पूजे भवन में होती है तेरी जय जयकार, सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी, सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी, शून्य जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवार, शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवार, करना तो इतना पुकार आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार, ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए, देव लोग की देवी मैया ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए, ओ देव लोग की देवी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए, जम्बे हैं माँ जगदम्बे करना तू इतना उपकार आए हैं तेरी शरण पे देना हमको प्यार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार, तेरा नाम जपे दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, तुझे भवन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, जयकारा श्री रामलीला बोल सच्चे दरबार की जय। आरूढ़ सिद्धांत से भ्रमित गगन दक्षिण चक सूत्र भामे हस्त दिव्यां भ्रतण कमयम पुस्तकम ज्ञान गम्य
आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज 8 प्रविष्ट है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष आज पूर्णिमा तिथि ही। आज पूर्णिमा जो है जिस 7:13 तक रहेगी उसके उपरांत प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। दिन वाली पूर्णिमा का व्रत जो है जे आज ही बृहस्पतिवार तदनुसार 21 मार्च 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम मनोकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पर्वित्र वेला में और विशेषतया आज पूर्णिमा होली का दिन जो है जी बड़ा ही एक शुभ दिन है और इसमें जो है इस जगजन जगत माता के दरबार में आकर के इस माँ भगवती की आराधना करने का भक्ति करने का माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। जो माँ की बड़ी विशेष कृपा भक्तों पर जो आप भक्तों को आज विशेष होली के दिन जो है अपने दरबार में बुला करके आपको भक्ति का रंग जो है लगा रही है और जे रंग जो है हमेशा आपके जीवन में आपके परिवार में आपके कुल में जे लगा रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस पर पवित्र वेला में होली के अवसर पर आप सभी भक्तों को सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बधाई। माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वर्धापन आशीर्वाद। माँ भगवती आप सबका मंगल करें और इस पर पवित्र वेला में सभी भक्तों को आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भान भवे श्रीमान जशस्वी भवे प्रज्ञावान भवे भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठ भवे तेजस्वी भवे धैर्य गर्भ दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुण्यरत सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशस्त मित्रणाम देशस्त शरीर वर्चस आयुष आरोग्यमाविदात् शिवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भूपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से सुमृत करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सब मिलकर बोलना चालू जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा
अर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच धर्म की जय। क्षमा कर अपराध शरण माया, क्षमा करो अपराध शरण विद्याधन कुछ पास नहीं है, चंचल तेरा ध्यान करता, बड़ा
नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु
जातिषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः रुद्रजय माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय परम पूज्य पुजारी जी मां विभूति की पूजा करके आपके सामने गुहाद्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सबक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, संभल करके बोलना।
सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि दिशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
जगदे नमः पाभ्यो पाभ्यं हस्यो अर्घ्यं मुह्यो आयन सर्वे नानंदमर्पयामी नमः ॐ गुणगंधद्वारं दुरादृष्टं यतमुखं हरिद्रं श्रीश्वरीभूतानं पाम्यो भवे ओम प्रसन्न जागृति जल दुर्गे ब्रह्मचारिणी आज होली है ना जोर से होली की वजह से जोर से आपको वो इनको भी जो मैं खुशी लगा दो।